राम राम भाई लोग, आप लोगों के लिए यहाँ पे एक बैड न्यूज है, आप इसे गुड न्यूज के तरह भी ले सकते हो। बात यह है कि यहाँ पे प्रसार भारती के जो गवर्नमेंट चैनल्स होते हैं, जो कि कुल 8 चैनल्स अभी आपके MPG2 सेट टॉप बॉक्स में चल रहे हैं, जिस पे आपको कभी कभी शो तो दिखाया जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है आपको वहाँ पे कलरबाजी ही देखने को मिल रहे हैं। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो ये 8ों चैनल्स जो हैं कुछ ही क्षणों के लिए प्रोग्राम को प्रसारित करती है और फिर बाद में इसे बंद करके आराम करती है। तो वीडियो के साथ बने रहिए, पूरी डिटेल्स देने वाला हूँ, सारे 8ों चैनल्स के विषय में बात करेंगे, साथ ही आपके लिए कौन सा बैड न्यूज है, कौन सा गुड न्यूज है, समझ लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल का आइकन को प्रेस कर लीजिए। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। भारत सरकार के जो 8 गवर्नमेंट चैनल्स हैं, DD झारखंड, DD रायपुर, DD पणजी, DD कोहिमा, DD अगरतला, DD इम्फाल, DD शिलांग, DD आइजोल, ये 8ों के 8ों चैनल्स जो हैं अभी आपको प्रोग्राम तो दिखा रही है, लेकिन ये कुछ कुछ पलों के लिए ही दिखा रही है। वहाँ पे आपको बाद बाकी समय में जो है केवल बीप ही सुनाई आपको देता होगा। और ये 8ों के 8ों चैनल्स जो हैं, कंपनी अब इस चीज़ को राय कर रही है कि ये 8ों चैनल्स आपको जो है 2400 घंटे के लिए अवेलेबल करवा देगी, जो कि अभी प्रेजेंट में भारत सरकार के टोटल 26 चैनल्स अवेलेबल है MPG2 सेट टॉप बॉक्स में, जो कि आपको 24x7 चल रहा है। तो ये भी 8 चैनल्स जो है वो भी आपको 24x7 चलेगा। यहाँ पे घाटा क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अभी ये 8 चैनल्स जो अभी MPG2 सेट टॉप बॉक्स में चल रही है, उन चीज़ के लिए जो है कंपनी बाध्य नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये चैनल्स को हटा भी सकती है, रख भी सकती है, तो ये चीज़ जो है डिसाइड नहीं है। लेकिन जब ये 8ों के 8ों चैनल्स 24 घंटे के लिए जब ये चालू हो जाएगी, तो इनका स्लॉट जो है वो कंपनी को देना ही पड़ जाएगा। यानी कि आप जो फेवरेट चैनल्स के विषय में सोचते हो कि डिफ्रीडिस में जो है कोई भी भोजपुरी चैनल्स नहीं आना चाहिए, हिंदी चैनल्स आना चाहिए, आपके जो भी जी अनमोल हैं, रिश्ते सिनेप्लेक्स हैं, स्टार भारत हैं, सोनीपल हैं, इस तरह की चैनल्स के जो आप ख्वाब देखते हो, तो भैया जब आपके MPG2 सेट टॉप बॉक्स में या फिर जो भी यहाँ पे सैटेलाइट इनको मिला हुआ है वो जब खाली रहेगा, तभी तो आपको यहाँ पे चैनल्स नहीं देखने को मिलेंगे। जब ये खाली रहेगा ही नहीं तो आपको कौन से चैनल्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि इससे पहले जो भी चैनल्स लॉन्च हुआ था वो इन्हीं फ्रीक्वेंसी पे चैनल्स लॉन्च हुआ था, फिर बाद में इनको जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया था दूसरे फ्रीक्वेंसी पे। अगर ये आपको 2400 घंटे के लिए अवेलेबल हो जाएगा तो इनका फ्रीक्वेंसी जो है वो लॉक हो जाएगा, यहाँ पे आपको कोई भी नए चैनल्स देखने को नहीं मिलेंगे और आपके डीडी फ्रीडिस जो है भरता चला जाएगा चैनल्स को लेकर के, और आप इसको देखने के लिए बाध्य हो जाओगे। तो यहाँ पे गुड न्यूज अब इसलिए है कि आपके MPG2 सेट टॉप बॉक्स में जो है अब ये 8ों चैनल्स जो है वो आपको प्रोग्राम दिखाएगी अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग कैटेगरी में और अलग अलग लोगों के लिए। तो वो चीज़ यहाँ पे गुड न्यूज़ के लिए रहने वाला है, और ये 8ों चैनल्स जो हैं वो आपको 2400 घंटे प्रोग्राम दिखाएगी, ये चीज़ बैड न्यूज़ के साथ है, क्योंकि यहाँ पे 8 स्लॉट जो हैं वो अब खाली नहीं रहेंगे, यहाँ पे आपको केवल यही चैनल्स देखने को मिलेगा। आगे आने वाले फ्यूचर में जो है आपको नए चैनल्स जो है इन स्लॉट पे देखने को नहीं मिलेंगे। तो यही थी अपडेट, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इसके रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो डायरेक्ट इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के दोस्तों वंदे मातरम, भारत माता की जय।